नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बासोदा में गोपाल कृष्ण गौशाला का भूमि पूजन किया। इस दौरान क्षेत्र के प्रभारी मंत्री और समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि हर क्षेत्र में गायों के लिए गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है। इंडिया खबर लाइव के लिए विदिशा से एल एन चौबे की रिपोर्ट। हमारा पशुओं का जो के हाल है, वाकई में हमें दर्द होता है। सड़कों पर बैठी है गौ माता है, कोई देखने वाला नहीं। इंदौर भोपाल रोड पर हर दिन 3 से 4 गौ माताएं मर जाती है। के मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने अध्यक्ष के रूप में और आदरणीय राजा साहब ने, देवेंद्र सिंह जी ने वचन पत्र में इस बात को डाला था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो यहाँ गौशालाएं बनाई जाएंगी, और उसी की कड़ी में आज ये गौशाला निर्माण का यहाँ पर भूमि पूजन हुआ है। मध्य प्रदेश में 3000 गौशालाएं जगह जगह बनेगी। मैं होशंगाबाद जिले का प्रभारी हूँ, 8-10 गौशालाएं वहाँ बन के तैयार है। आईना दिखाने का समय आ चुका है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के पूर्व एक वचन पत्र बना था, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी हम सबके प्रेरणा स्रोत थे और एक ऐसा वचन पत्र लाए थे जो जनता के बीच, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे कर्मचारी हो, हर वर्ग के लिए कल्याण के लिए ऐसी योजना लेकर आए थे जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश में खाका तैयार हुआ था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से हर वर्ग का कल्याण होगा। अब इस मामले में मैं आपको बता दूं कि कार्यक्रम का लेप करना कुछ स्थानीय प्रतिनिधि जो है, वर्तमान है, पूर्व है, इसलिए इस कार्यक्रम को कुछ जानबूझकर लेप किया गया है और इसी कारण राजा को बेबस कर दिया। तो राजा को जो है, राजा का 7 बजे का फ्लाइट का टाइम था और यहाँ जो 4 बज गए 4:15 बजे, तो उनको तो यहाँ से निकलना तय ही था, उनको जाना भी जरूरी था, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा उसमें आप प्रतिक्रिया अपन करें तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि यहाँ के जो पूर्व प्रतिनिधि और माने वर्तमान प्रतिनिधि जो है, उनको उनकी इस कार्यक्रम लेट करने में कुछ कार्रवाई कराने में ऐसी हमें कुछ शंका हमारे महसूस हुई है।